मोदी किसान सम्मान सम्मेलन 2008 करेंगे। किसान सम्मान निधि योजना की किश्त को जारी करेंगे प्रधानमंत्री। 16,000 करोड़ की किश्त आज जारी की जाएगी प्रधानमंत्री की तरफ से, किसान सम्मान निधि योजना। नमस्कार प्यारे किसान साथियों, देखो सुबह सुबह ही मोदी जी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी थी और मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा वादा पूरा, आज मैं दोपहर 12:30 बजे 18वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर करूंगा, उसके बाद यह पैसा आप लोगों को 7 दिन के अंदर, यानी कि पैसा जाने में टाइम लगेगा, मतलब 7 दिन के अंदर ही अंदर आपके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 4,000 रुपये पहुँच जाएगा। साथ ही साथ मैं सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर ये भी कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने खाद और बीज योजना के लिए अप्लाई किया था तो 5,000 रुपये आपको अलग से दिया जा रहा। और देखिए इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आज देखिए हम खुश हैं भाई किसानों के ऊपर। तो देखिए किसान जो कर्ज माफ़ी योजना का कर्ज लिए हुए हैं, KCC कर्ज माफ़ी योजना के तहत 1,00,000 रुपये का आज कर्ज भी माफ़ हो जाएगा। और इतना सब कुछ कहते हुए उन्होंने कहा धन्यवाद आपका प्रिय मोदी, यानी कि उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी। आगे देखिए मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं कि देखिए बहुत सारे किसान साथियों के मोबाइल में मैसेज भी आया है। 24 फरवरी 2019, ये वो तारीख थी जब किसानों के हितों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी और आज जाकर 18वीं किस्त भी पैसा जारी होने जा रहा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का। लाइव भाषण सुनिए, देखिए किसान सम्मान निधि आज उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से देश के करोड़ों किसानों के चरणों में अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। जैसा कि देखिए प्यारे किसानों, आपने सुना कि आज 18वीं किस्त का पैसा उत्तर प्रदेश की धरती से फिर से जारी हुआ। अभी देखिए मैं आपको लाइव संवाद वीडियो भी सुना दूंगा, ठीक है। देखिए सरदार जी का पहले हम लाइव संवाद वीडियो सुनाएंगे। अभी देखिए सभी जितने भी किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं किसान, सभी को 18वीं किस्त का पैसा गया है। चलिए देखिए, ये हर साल 6,000 रुपये मिलता है सरदार जी, बताइए। मूलचंद जी बता रहे हैं, ठीक है। देखिए आपने सुना कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मूलचंद और सरदार जी ने दोनों बताए, ये अलग अलग राज्य से हैं, कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपये की 18वीं किस्त का पैसा भी हमें ट्रांसफर कर दिया गया है। अगर आप लोग भी किसान हैं तो 18वीं किस्त का पैसा जरूर चेक करें कि 18वीं किस्त का आप लोगों को पैसा मिला कि नहीं। चलिए देखिए सुंदर सिंह बता रहे हैं, अब हमें वो सब जो उड़ते ना अपने बैंक से सम्मान निधि से पूरी हो जाती है। ये पैसा हमारे ना थी आ वैसे हमारे खाता या दवाओं में खर्चो नहीं थी, जैसे जना थी समय सर दवाओं खातर मरवा थी उत्पादन पर सारू आयु अने एना थी खूब खूब हमें आ वैसे लाभ दे पूरे मार्ग तो है और इतना करना ये पैसा मार्ग मंजी अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सभी किसानों ने अपना अपना रिव्यू दिया और ये अलग अलग राज्य के किसान है, मैं ये भी बता दूं, ठीक है। उन्होंने साफ साफ कहे कि भाई खेती करने के लिए हमें 2,000 रुपये की रकम मिलती है जो कि बहुत बड़ी रकम है और लगातार हमें मिल रही है। मैं अब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से सादर अनुरोध करूंगी कि हम सबकी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को अंगवस्त्रम उठाकर और जिन किसान भाइयों बहनों के लिए आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया उसी की एक स्मृति किसान भाई को उन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में प्रदान करके आप सबकी बहुत जोरदार तालियों के बीच उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत अच्छा आरती जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि देखिए किसानों को, ये देखिए मोदी जी को किसान भेंट कर रहे हैं, एक किसान का पुतला है, क्योंकि आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान भाइयों और बहनों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का पैसा दिया जा रहा। और आप लोग लाइव देख रहे हैं किस प्रकार से हमारे नए कृषि मंत्री देखिए शिवराज जी भी हैं और आज पीएम मोदी जी को भाई देखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का पैसा जारी करने का सभी लोग अनुरोध कर रहे हैं। इसी के साथ किसान भाई भी जुड़े हुए हैं, आप लोग लाइव देख रहे हैं। अब देखिए हमारे मुख्यमंत्री गण भी सम्मोहित कर चुके हैं। अब देखिए इसी के साथ भाई JP नड्डा भी यहीं मौजूद हैं, साथ ही साथ सभी मंत्रीगण मौजूद हैं।
यहाँ देखिए कृषि मंत्री और सभी लाल यानी कि सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और किसान भाई बहन भी मौजूद हैं, क्योंकि इस बार 18वीं किस्त का पैसा 4,000 रुपये जा रहा है, यानी कि पीएम मोदी के कर कमलों के द्वारा ये पैसा जाएगा। पहले तो देखिए सभी मोदी जी को भेंट दे रहे हैं कि भाई बहुत बहुत बधाई हो, यानी कि पैसा जारी करने से पहले कुछ इस प्रकार से मोदी जी का स्वागत किया जाता है और हम सभी लोग जानते हैं क्योंकि हर बार ये पैसा मिलता है। यहाँ देखिए किसान से ज़्यादा यानी कि महिला किसान दिखाई दे रही होंगी आप लोगों को, क्योंकि महिलाओं को भी अब पैसा मिलना शुरू हो गया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत, इसीलिए 4,000 रुपये की ये 18वीं किस्त का पैसा दिया जाएगा। पीएम मोदी ने अभी अभी बड़ा खुलासा कर दिए, भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए अब ये आ चुके हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसा जारी भी हो चुका है 18वीं किस्त का। अपूर्ण रूप से भाई जो मंत्री जी हैं हमारे वो साफ साफ बताएंगे कि पैसा कितना गया 18वीं किस्त का और इसकी पिछली किस्त जो 17वीं किस्त का पैसा जारी हुआ था या फिर 16वीं किस्त का पैसा जारी हुआ था। नितिन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, पहले तो देखिए सभी मंत्रियों का नाम लेंगे और सभी का नाम लेकर भाई उनका बहुत बहुत अभिनंदन करेंगे, उसके बाद फिर पैसे की बात करेंगे। अभी देखिए मनसुख मंडाविया जी भी हैं, सभी लोग मौजूद हैं, ठीक है। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का वितरण भी चल रहा है, तो अभी अभी देख लीजिए पूर्ण रूप से ये पैसा जाएगा। चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी सम्मानित इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक ठोस कदम उठाए और जिसके माध्यम से देश के 10.5 करोड़ किसानों को अब तक 3,00,000 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि उनको दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश के भीतर हमारे 16वीं किस्त तक 2,76,00,000 किसानों को 59,661 करोड़ रुपए उनको प्राप्त हुए हैं। देखिए 17वीं किस्त का भी पैसा जारी किया गया था तो 3,00,000 हो गया था और आज जो पैसा जारी होना है यानी कि 18वीं किस्त का पैसा जा रहा है, इसे मिला दिया जाए तो भाई 3,50,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसा गया। देखिए 17वीं किस्त को जोड़ दिया जाए तो मैंने बता दिया कि 3,00,000 तक पैसा गया, अगर 18वीं किस्त को जोड़ दिया जाए तो भाई देखिए जारी होने वाली है जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के 6,75,000 किसान भाइयों को 4,343 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, देखिए सभी राज्यों में इसी प्रकार ये पैसा जाएगा और देखिए किस प्रकार से उत्साह है किसानों में, क्योंकि देखिए आज 17वीं किस्त का पैसा जारी होने के बाद भाई 18वीं किस्त का पैसा हम काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि 18वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा कब मिलेगा, तो हम सभी लोगों के इंतजार की घड़ी समाप्त हुई और आज 18वीं किस्त का पैसा भी 4,000 रुपए आ रहा है। शिमला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बड़ी रैली, किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी करेंगे पीएम। पीएम मोदी की रैली में 50,000 लाभार्थी किसान मौजूद रहेंगे, अलग अलग लाइव लोकेशंस में केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी रैली करेंगे। पीएम मोदी की ये रैली शिमला में होगी जहां वे किसानों को संबोधित करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के किसानों की सम्मान निधि योजना की अगली किश्त जारी करेंगे। वहीं पीएम मोदी की इस रैली में 50,000 लाभार्थी किसानों के भी शामिल होने की उम्मीद है। शिमला में होने वाले इस कार्यक्रम को देश के करीब 67 लोकेशन में लाइव सुना जाएगा, जबकि इन लोकेशंस पर किसानों के बीच केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहेंगे। किसानों के इस कार्यक्रम में नितिन गडकरी नागपुर में, स्मृति ईरानी मेठी में, मनोज सिन्हा श्रीनगर में, ज्योतिरादित्य सिंधिया जबलपुर में, पीयूष गोयल मुंबई में, धर्मेंद्र प्रधान कटक में, गजेंद्र शेखावत जयपुर में, मुख्तार अब्बास नकवी लक्षद्वीप में, मनसुख मंडाविया भावनगर में, गिरिराज सिंह पटना में और नरेंद्र सिंह तोमर दिल्ली में मौजूद रहेंगे। नमस्कार प्यारे किसान साथियों, देख लो अभी अभी का नया ट्वीट आ चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। अभी देखिए 6 घंटे पहले का ये पोस्ट है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल ट्विटर में हम लोग आ चुके हैं और आप लोग लाइव देख सकते हैं कि भाई यहाँ साफ साफ बताया गया 6 घंटे पहले कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को अब 18वीं किस्त का पैसा दिया जाएगा। जैसा कि हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, सभी किसान भाई बहन योजना का
लाभ उठाने के लिए भाई आप लोगों को कुछ काम करना होगा, ठीक है। कौन से काम है चलिए मैं आपको बता देता हूँ और लाइव करके भी दिखा देते हैं कैसे करना है, ठीक है। अभी अभी का ये ट्वीट है, आप लोग देख सकते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ जरूरी काम करने हैं। आप लोगों को इन बातों को ध्यान में रखना होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। पहले नंबर में देखिए, अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि पहले नंबर में जो काम करना है, अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करना है। बैंक खाते की स्थिति के साथ अपना आधार सेटिंग जांचें। और देखिए तीसरे नंबर में, अपने आधार सेटिंग बैंक खाते में अपना DBD विकल्प एक्टिव रखें। और देखिए चौथे नंबर में, अपना EKYC को पूरा कर लें, ठीक है। पांचवें नंबर में क्या करना है आप लोगों को कि पीएम किसान पोर्टल में नो योर स्टेटस मॉड्यूल के तहत अपनी आधार शेडिंग की स्थिति की जांच करनी है, ठीक है। ये काम करना है, कैसे करना है देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना है। चलिए हम इस पर जाते हैं, अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पर सर्च कर लेना और इस प्रकार से क्लिक करना। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। जो ही आप लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप लोगों को अभी के लिए भाई 17वीं इंस्टॉलमेंट की जो डेट है वो दिखा रही होगी और उसके बाद अब 18वीं किस्त का पैसा आने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो 17वीं किस्त है वो 18 जून 2024 को जारी हुई थी, तो भाई जुलाई के बाद अगस्त भी गया, अब सितंबर महीने में आप लोगों को 18वीं किस्त का पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं इसके लिए आपको EKYC कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जो नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप लोगों के सामने भाई EKYC का ऑप्शन खुल जाएगा, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुल जाएगा, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर का भी फार्मर जो दिया गया है वो भी ऑप्शन आ जाएगा। नीचे और जाओगे तो और ऑप्शन है, नो योर स्टेटस अपडेट मोबाइल नंबर, और इसी के साथ और नीचे जाओगे तो भाई आप लोगों को बेनिफिशियरी लिस्ट भी दिखाई देगी जिसमें आप लोग अपना बेनिफिशियरी लिस्ट भी देख पाओगे। कैसे देखना चलिए मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। सबसे पहले ज़रूरी जो है EKYC कैसे करना है, तो सबसे पहले इसमें आप लोगों को क्लिक करना है। जो ही क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, नीचे हमें स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद देखिए यहाँ दिया गया है, उस देखिए यहाँ से पहले यहाँ देखिए OTP बेस्ड EKYC होगा, यानी कि आपको भाई आपके मोबाइल में एक OTP आएगा उसी के आधार पर यानी कि आपका EKYC होगा। सबसे पहले यहाँ आप लोगों को भाई आधार नंबर एंटर करना होगा। अपना आधार नंबर डायल करने के बाद सर्च बॉक्स पर क्लिक करोगे और आपके पास एक OTP आ जाएगी और आपका EKYC कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। EKYC की प्रक्रिया बहुत ही आसान थी। अब चलिए मैं आगे आपको बता देता हूँ कि आप लोगों को आगे जैसे कि न्यू फार्मर हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो भाई रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। यहाँ आ जाना है तो और देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो भाई इस प्रकार से ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ दिया जाएगा रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन, अगर आप लोग रूरल क्षेत्र से हैं या फिर अर्बन से हैं तो अर्बन से सिलेक्ट कर लेना। आधार नंबर डायल करना है और मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ अपना भाई राज्य सिलेक्ट कर लेना, देखिए इस प्रकार से जिस भी राज्य के हो भाई आप लोग वहाँ का राज्य सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ दिया रहेगा आप लोगों के सामने भाई यानी कैप्चा कोड दिया रहेगा, फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ फिल कर देना है और इस गेट रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। जो ही गेट रिपोर्ट पर क्लिक करोगे आपका भाई पूर्ण रूप से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए हमने आपने नहीं डाला था इसीलिए यहाँ नहीं हो रहा, आप लोग सब कुछ सही से अपनी जानकारी भरोगे तो हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर में आप लोग पूछ रहे थे कि नो योर स्टेटस कैसे देखें, तो देखिए नो योर स्टेटस देखने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। जब ही आप लोग क्लिक करोगे इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, उसके बाद आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और नो योर स्टेटस देखने के लिए अभी अभी जो आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता चला उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ डायल करना है और इस कैप्चा कोड को यहाँ भरना, गेट OTP पर क्लिक कर देना, आपका स्टेटस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। भाई बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर बेनिफिशियरी लिस्ट कैसे देखेंगे, तो नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप लोगों को यहाँ बेनिफिशियरी लिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब इसमें आप लोगों को भाई देखना है ध्यान से कि बेनिफिशियरी लिस्ट में क्या क्या डायल करना है।
आप लोगों को देखिए मैं बता दूं, यहाँ स्टेट सिलेक्ट करना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक विलेज गेट रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है, लिस्ट आ जाएगी। चलिए हम सिलेक्ट करते हैं किसी भी राज्य का। देखिए मैं, आप जैसे मान लो भाई हम दिल्ली से, तो दिल्ली सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट तो भाई आप लोग सिलेक्ट कर लेना न्यू दिल्ली, उसके बाद जो हम अपना अपना एरिया सिलेक्ट कर रहे हैं आप लोग अपना सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद जो भी आप लोगों का भाई सब डिस्ट्रिक्ट है उसे सिलेक्ट कर लेना, डिस्ट्रिक्ट के बाद आप लोगों को फिर ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है, ब्लॉक के बाद भाई विलेज सिलेक्ट कर लेना है, विलेज सिलेक्ट करने के बाद गेट रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है, आपके गांव के या फिर आपके शहर के पूर्ण रूप से लिस्ट आ जाएगी। यहां आप लोग देख सकते हैं हमारे गाँव की ये लिस्ट आ चुकी है, यानी कि अर्जुन जो कि मेल हैं, उसके बाद ये फीमेल हैं, मेल फीमेल सभी दिया गया है, यानी कि पूरी की पूरी लिस्ट आ गई है। इस प्रकार से आपके भी गांव या फिर शहर की लिस्ट आ जाएगी। हमारे यहाँ दो पेजों में यानी कि 100 किसान हैं, तो भाई यहाँ पूर्ण रूप से आप लोग देख सकते हैं 76 किसान हैं, तो पूर्ण रूप से सभी किसानों का नाम आ चुका है और देख सकते हैं आप लोगों का भी नाम आ जाएगा। अगर आपने जेन्युइन तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन कर रखे हैं और आप लोग चाह रहे थे कि हमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18वीं किस्त का जो इस बार 2000 रुपये से रकम बढ़ाकर 4000 रुपये मिलने वाली है वो मिले, तो देखिए हम सभी किसान साथियों के लिए बेहद बड़ा सुनहरा मौका है और ये मौका जाना नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक ये काम नहीं करवाया जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यानी सबसे पहले नंबर में आप लोगों को अपना EKYC करवाना है, जो ही EKYC हो जाए आप लोगों को भूमि का सत्यापन करवाना है, भूमि का सत्यापन करवाने के बाद आप लोगों को मैं बता दूं कि आधार सीडिंग का काम भी पूरा करना है, ठीक है। आधार सीडिंग का काम आप लोगों को पूरा करना है, यानी कि आप लोगों को आधार सीडिंग का काम, बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि आधार सीडिंग क्या है, तो आप लोगों को आधार सीडिंग का मतलब मैं समझा दूं प्यारे किसान साथियों। आधार सीडिंग का मतलब होता है आप लोगों को अपने आधार कार्ड को अपने बैंक खाते और मोबाइल नंबर से जुड़वाना है, यानी कि आप लोगों का आधार कार्ड और आप लोगों का मोबाइल नंबर तथा आप लोगों का बैंक खाता संख्या एक दूसरे से लिंक होना चाहिए, तब जाकर आधार सीडिंग का काम होगा। यानी कि जब आप लोगों के बैंक खाते में पैसा आ जाएगा, जैसे कि अभी 18वीं किस्त का पैसा हाल ही में जारी होने वाला है, तो जो ही 18वीं किस्त का पैसा जारी होगा उसके बाद आप लोगों को 2000 रुपये या फिर 4000 रुपये का मैसेज आ जाएगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत DBT के माध्यम से आप लोगों के बैंक खाते में 4000 रुपये या फिर 2000 रुपये की धनराशि डिपॉजिट कर दी गई, भाई ट्रांसफर कर दिया गया है, और आप लोग जाकर अपना चेक कर ले। आ गया पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, अब जाकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलेगा, खाते में कब आएगी योजना की 18वीं किस्त। साथ ही साथ आपको बता दें 18वीं किस्त आने से पहले करा लें एक काम, वरना आप लोगों को किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। जी हाँ प्यारे किसान साथियों, अगर आप लोग भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे तो आ चुका है अपडेट, आप लोग लाइव देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर बड़ा अपडेट आया। मैं आपको बता दूं, देखिए सभी किसान साथी चाहते हैं कि हमें 18वीं किस्त का पैसा बिना किसी रुकावट के मिल जाए, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त पर यह बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है। जो भी किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18वीं किस्त का लाभ लेना चाहते हैं तो 18वीं किस्त आने से पहले कराना होगा एक काम, वरना चूक जाएंगे। जी हाँ प्यारे किसान साथियों, देखिए आप लोगों को पता है कि लगातार मोदी सरकार किसानों पर मेहरबान है, तो अगर आपने अपना मोबाइल नंबर नहीं बदला तो भाई बदल लीजिए, वरना आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं दिया जाएगा। यहाँ से देखिए इस प्रकार से आप लोग अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड के जरिए भाई अपना EKYC करा सकते हैं और मोबाइल नंबर भी बदल सकते हैं। 2024 की ये 18वीं किस्त है, पहले तो आप लोगों को देखिए 17वीं किस्त का पैसा दिया गया था, उसके बाद अब 18वीं किस्त का आएगा पैसा, ठीक है। आप लोगों को मैं लाइव दिखा रहा हूँ सब कुछ निकाल कर, आप लोग देख लीजिए। वन इंडिया हिंदी की तरफ से भी ये जानकारी दी गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर बड़ा अपडेट, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का पैसा अब जारी किया जाएगा, और आप लोग लाइव देख रहे हैं कि भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त पर नया बड़ा अपडेट आ गया है। आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर बदला लेना है वरना पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि 18वीं किस्त से पहले ये काम अगर नहीं कराओगे तो प्यारे किसान साथियों आप लोग भी 18वीं किस्त से चूक जाओगे, क्योंकि लगभग सभी किसान भाइयों ने ये काम करवा लिया, यानी कि अपना अपना मोबाइल नंबर बदला लिया है। देखिए आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल pmkisan.gov.in पर आ जाना है, जो ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ EKYC का ऑप्शन दिखाई देगा,
उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, यहाँ से ही केवाईसी कर लेना है। और साथ ही साथ प्यारे किसान साथियों, मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ से आप लोगों को अपना आधार नंबर डायल करना है और आपका OTP बेस्ड KYC हो जाएगा। ठीक है, इतना काम कर लेते हो तो देखिए इसी के साथ मोबाइल नंबर करें अपडेट पीएम किसान पोर्टल पर pmkisan.gov.in पर जाकर, जो वेबसाइट में यहाँ आप लोगों को दिखा दिया हूँ, इसी वेबसाइट पर जाकर आप लोग अपना भाई कन्फर्म कर लें मोबाइल नंबर, यानी कि अपडेट कर लें। फार्मर कॉर्नर में ही KYC न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर फार्मर CSC फार्मर्स यानी कि अपडेशन ऑफ क्लर्क रजिस्ट्रेशन फार्मर्स नो योर स्टेटस के बाद अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। और ये सब कुछ आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर आधार नंबर डालने के बाद कैप्चा कोड डालकर सर्च बटन पर क्लिक करना है, ये सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि कंसेंट को चेक करें और गेट आधार OTP पर क्लिक कर दें। मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिससे बॉक्स में सबमिट कर वेरीफाई बटन पर क्लिक करना होगा और आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपकी डिटेल्स आपके सामने होगी और बॉक्स में नया मोबाइल नंबर डालें और फिर गेट OTP पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप लोगों की जो प्रक्रिया है मोबाइल नंबर अपडेट की वो कंप्लीट पूर्ण रूप से हो जाएगी और आप लोगों को सफलतापूर्वक 18वीं किस्त का पैसा दे दिया जाएगा। पीएम किसान पोर्टल पर अपडेट करें अपना मोबाइल नंबर और भाई पाएं 18वीं किस्त का लाभ ₹2,000। खबर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।